बहुत खुश हूँ मैं। मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, थोड़ा बहुत किया था, बट ये जो मैं जी रहा हूँ ये हर एक आर्टिस्ट का ये सपना होता है। अरे मैं सपना जी रहा हूँ और मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मैं ये भी मेरे पापा यूट्यूबर बन गए हैं। कहते यूट्यूब पे बहुत पैसा, तो मैं भी व्लॉग बनाऊंगा। कितना लिसिया खान दादी बहुत बहुत एक्चुअली मैं बहुत मिस किया मैंने, और मुझे लगा था वो फिनाले में आएंगी बट वो नहीं आई, और फैमिली को मैंने कम किया। तो आगे के फैमिली को भी किया, बट खान सारी ये था कि फिनाले में आएंगी वो नहीं आई। अरे यार मैं भी उससे मिला भी नहीं, कुछ बात वापस करो यार। तो ऑब्वियसली उनको मैसेज या कॉल करूंगा और मैं मिलूंगा। कुछ ऐसे आंसर दो दो मुझे, मैं फंस जाऊंगा। अरे क्या कर रहे, कौन है धक्का दे रहा है? ये देखो ना यार पीछे वाले पापा के आंसर्स का प्लीज सीरियस मत ले। अभिषेक अगर मुनावर जीते उस पर आपको क्या कहना है, क्योंकि मुझे मुझे लगता है मेंटली आपने बहुत अच्छा खेला है, और एक्चुअली में वही प्लेयर होता है जो मेंटली और फिजिकली खेलता है, और मुनावर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं ना पॉलिटिकली और लोमड़ी की चाल चल रही थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके अलावा कोई और जीतता तो मुझे ज़्यादा दुख होता, क्योंकि हमारा एक बॉन्ड, मैं उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता था, और वो जीता तो इतना बुरा नहीं लग रहा है, बट अगर उसके अलावा कोई और जीतता तो शायद बुरा लगता, बट अपने लिए बुरा लग रहा है। पर जब मैं बाहर निकला और आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया जैसे आप अभी भी दिखा रहे हो, तो ऐसे लगता है कि मतलब ट्रॉफी चाहे वो लेके गया कि पर मैं जीत गया हूँ। लव यू भाई, लव यू। वैसे अभिषेक कोई और से आपका मतलब अंकिता लोखंडे तो नहीं है? कोई और जितने भी थे, अंकिता जी नहीं, कोई भी, मतलब हम दोनों के अलावा कोई भी हो तो थोड़ा सा ज्यादा दुख होता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा किसी और ने कुछ ज्यादा इनपुट दिया है। क्या बात है अभिषेक, एक ऐसा मोमेंट आया जब आपने थप्पड़ मारा समर्थ को, तो उस वो मोमेंट आपका क्या था, वो उसमें दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि जिस पर आपका हाथ उठ गया, ये मोमेंट क्या था, सोच के मारा था या कि उठ गया? नहीं सर, मैंने कुछ सोच के नहीं मारा था, वो इतनी ज्यादा पोकिंग कर रहा था और पता नहीं कहाँ किस लेवल पे जा रहा था, और फिर उसने जो टिश्यू मेरे मुंह में डाला तो रिएक्शन कब निकला मुझे समझ नहीं आया, और मैं उस चीज़ के लिए बहुत बिल्कुल भी प्राउड नहीं हूँ, और हमने वो बिग बॉस के घर में सॉर्ट कर लिया, तो मैं उस चीज़ पे कोई बात भी। लेकिन अभिषेक बाहर आके सपोर्ट देखा आपको, जितने भी इंडस्ट्री से सपोर्ट मिले हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने इंडस्ट्री से ट्वीट करके आपके सपोर्ट में कहा था कि अभिषेक के साथ गलत हुआ है उस वक्त पे, उस ट्वीट को देखा आपने? मैंने इतने ट्वीट्स नहीं देखे हैं अभी मेरे को, क्योंकि इतना फोन चलाने का टाइम नहीं दिया है। एक्चुअली मैंने चलाया बट इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाया, ट्वीट्स मैंने ज़्यादा देखे नहीं है, क्योंकि मैं लेट आया था, फिर सो गया, फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, और मेरे दोस्त जो सब हमेशा सपोर्ट करते रहे मेरी जो भी भाई ट्विटर पे थे नहीं, इन्होंने ट्विटर बनाया मुझे, अब मैं देखने लगा अच्छा ये अच्छा, मुझे आज पता चला, कल पता चला था कि वो एक्स वाला ट्विटर का साइन है, मैंने कहा अच्छा ये ट्विटर है, तो अभी मैं देखूंगा, और मुझे ये पता चला रितेश सर ने मेरे लिए लिखा था कि क्या लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, माय हार्ट गोज आउट फॉर अभिषेक, तो क्या मतलब मेरा दिल पसीज गया। तो रितेश सर थैंक यू सो मच, और मतलब अच्छा लगता है इतने बड़े बड़े नाम आप तो जानते हैं कि हाँ यहाँ तक पहुँचे। अभिषेक वैसे डोंगरी ट्रॉफी पहुंच गई है, वहाँ पे सबको उम्मीद था कि आप भी दिखेंगे मुनव्वर जी का, बट नजर नहीं आए जरा उसके बारे में जल्दी। लेकिन मुनव्वर ने आपका नाम सबको बोला था अभिषेक चिल्ला, हमने डिसाइड किया था, पर अभिषेक चिल्ला रहे थे, पर हमने डिसाइड तो किया था पर मैं नहीं जा पाया, तो फैमिली और एक नींद और थकान की वजह से, तो इसलिए वो प्लान थोड़ा इधर उधर हो गया, बाकी हमने प्लान किया एक दो दिनों में मिलने वाले। तो क्या मुनव्वर पंजाब दिख से मतलब आ सकते हैं आपके साथ? हाँ हम एक जगह जाने वाले हैं गोल्डन टेंपल साथ में, क्योंकि हमने मतलब तीन जगह डिसाइड की थी जाना है, तो गोल्डन टेंपल उनमें से एक है, और अमृतसर जाएंगे हम माथा टेक के। नहीं 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 आप सबने बिग बॉस की बात की, आपने अभिषेक भाई गाना देखा, अगर आप सच में फैन हो
कौन सा गाने का नाम बताओ, गाने का नाम तो बताओ। मेरा मैं अंदर था घर के, और एक मेरा नया गाना रिलीज हुआ था एवोकाडो, जिसमें मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। सीसी टीम ने सीसी इतना अच्छा किया कि कलर करेक्शन इतनी सुंदर लग रही है, इतना क्लियर दिख रहा हूँ। इन्होंने कोरियोग्राफ किया है, हमारे भाई ने बहुत अच्छा गाना कोरियोग्राफ किया, इन्होंने डायरेक्ट किया है, इनका स्नो रैकेट्स है, ये मैम हमारी आइए प्लीज आइए आदमी का, ये प्रोड्यूसर है, ये हमारी सारी टीम सॉन्ग की, सारे हम सब एवोकाडो सॉन्ग के हैं, और बहुत ही अच्छा गाना है, प्लीज़ आप लोग देखिएगा। मैं अंदर रहते रहते रिलीज़ हो गया था, अब मैं उसको थोड़ा प्रमोट करूँगा, थोड़े से फैंस बन गए हैं ना, पहले नहीं थे। नहीं नहीं, फैंस प्यार मिलता रहा और बहुत अच्छा कर रहा है, आप इस पे जाके कमेंट देंगे 50,000 प्लस, प्लीज़ जाके एवोकाडो सॉन्ग देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है, और उसमें अभिषेक और रिया, रिया मेरी रिया प्लीज ये नाच रही सर, रिया और मैं हम दोनों, ये मेरी को एक्टर है उस सॉन्ग में, और हमने बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं सीख रहा था इनसे डांस, आपने बहुत अच्छा सीख लिया, इन्होंने घर में जाके इतना अच्छा डांस सीख लिया, अच्छा डांस किया, प्लीज आगे देखिएगा, और बहुत सारा प्यार आप एंजॉय करने आए, थोड़ा एंजॉय भी कर लो यार, रिपोर्टिंग हो गई, अभी सबको फैमिली बन के डांस करना है अभिषेक के साथ, ठीक है, जल्दी से सब आ जाओ, मेरा व्लॉग भी बना लो भाई, हमारे भी बना रहा है, तो गाइस ये सारे मीडिया टीम से हैं, और इन्होंने अंजलि जी ने बहुत बहुत सारा, और पूरी टीम ने, तरुण भाई ने, आत्मिका जी ने, सम्राट भाई ने, संजोग भाई ने, आज है नहीं संजोग, माधव भाई ने, राज भाई ने, सबने बहुत सारा सपोर्ट किया, एक्चुअली पूरी मीडिया टीम ने इतना सपोर्ट दिया, और मैं जब भी मैं बाहर निकला मुझे पता चला कि इन्होंने बहुत सारा सपोर्ट दिया है, और इन्होंने बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनको भी दिखाओ मेरे यार, प्लीज 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 पानी पानी।